नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भले ही हमारे शहरी क्षेत्रों में जनजीवन ठप है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका लीश मात्र भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग उसी शिद्दत से अपने कृषि कार्य में लगे हैं और कोरोना कर्फ्यू के बावजूद खेती बाड़ी से जुड़े कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में लहसुन की फसल तैयार है और लोग उसे खेतों से निकालकर मार्केट पहुंचाने की व्यवस्था में जुट गए हैं। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला लहसुन की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला इलाका है और यहाँ सबसे ज्यादा लहसुन की खेती गिरिपार क्षेत्र में होती है, जबकि अन्य ग्रामीण इलाकों में भी लहसुन यहाँ की प्रमुख नकदी फसल है। इसके चलते विभिन्न जगह लहसुन की फसल तैयार होने के बाद अब इसे निकालने का काम जोरों शोरों से शुरू हो गया है। सिरमौर में लगभग हर जगह लहसुन की व्यवसायिक खेती की जाती है। सिरमौर जिला का लहसुन हिमाचल की मंडियों को छोड़ साथ लगते राज्यों और बाहरी राज्यों की मंडियों में बिकता है। यहाँ के लहसुन की डिमांड दूर दूर की मंडियों में होती है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं नारंग क्षेत्र की, जहाँ वासनी के समीप भरागड़ी गाँव में लोग लहसुन की पटाई कर रहे हैं। और इस ग्रामीण क्षेत्र की खास बात यह है कि व्यवसायिक कृषि के दौर में प्राचीन परंपराओं को संजोए हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज भी यहाँ हेला और बुआरा प्रथा को चलाए रखना है। हेला का मतलब आपस में मिलजुल कर काम करना। कितना अच्छा है ना कि आज भी गांव में लोग डिजिटल दुनिया को छोड़ आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। वरना आज अपने फोन को छोड़ अपनों के ही लिए किसके पास टाइम है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग अपने काम के साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों का भी काम में हाथ बटाते हैं। फसल की बिजाई से लेकर उसकी निराई गुड़ाई कटाई और मंडियों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों के खर्चे तक सभी ग्रामीण एक दूसरे की इसके लिए सहायता करते हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार और उस पर सरकार की बंदिशें, इसका कितना असर पड़ा है आइए जानते हैं भरागड़ी गाँव के कुछ किसान भाइयों से। सभी को नमस्कार। यहाँ कोई कोरोना की वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारा जो रोज का कार्य है खेतीबाड़ी का, वो उसी टाइम से चल रहा है हमारा। तो बाकी बीज दवाई खाद हमारे को सब कुछ मिल रही है। दुकानों में 3 घंटे दुकानें खुली रहती है, राशन भी मिल रहा है। और हमारे को यहाँ बार बार जागरूक भी किया जा रहा है हमारे पंचायत के प्रधान जी के द्वारा। अभी कल हम राशन लेने गए थे अपनी सोसाइटी में, तो वहाँ भी हमारे को प्रधान जी ने काफ़ी देर जागरूक किया कि कोरोना से कैसे बचना है, अपना डिस्टेंस रखना है, नमक के गरारे करने हैं और गर्म पानी में नींबू डाल के पीने के लिए भी कहा उन्होंने। और दिन में 4-5 बार भाई नमक के गरारे करें। और बाकी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम किसान यही चाह रहे हैं, जैसे पिछली बार हमारे को लॉकडाउन में अच्छे रेट मिले हैं फसलों के, तो इस बार भी यही उम्मीद कर रहे हैं हम कि अच्छे रेट मिले हमारे को। ये है शिशु शर्मा। इनका कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए सरकार ने लोगों के लिए बंदिशें लगाकर बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। बिल्कुल सही निर्णय लिया है सरकार ने। जो भी फैसला लिया सरकार ने वो अच्छा लिया है, क्योंकि ये सबके भलाई के लिए लिया है। और ये आज के समय में जो भी इतना फैल रहा है कोविड, ये हर गाँव में हर पंचायत में इतना केस निकल रहे हैं। कल भी हमारे हिमाचल में 66 केस आए हैं, 66 केस मौतें हुई है हिमाचल में। और ये अच्छा निर्णय लिया है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो भी है हम सरकार फैसला पूरे महीने तक चला रहे हैं, क्योंकि इससे केस बढ़ते जा रहे हैं। और जो हमारा इसमें खेतीबाड़ी में इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सभी अपना काम कर रहे हैं, किसी का लोग अब अपने घरों में हैं और खेतीबाड़ी का अच्छा कार्य चला है, इससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और सुभाष शर्मा कहते हैं कि इन बंदिशों का ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि हमारी खेतीबाड़ी का काम हम कर रहे हैं और 3 घंटे मिली छूट में यदि कोई सामान चाहिए तो मिल जाता है। विश्वास जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत नाउ इन सोलन एंड शिमला।